क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 अलजबरा एक्सरसाइज नंबर 7.2 पेज नंबर 86 एंड 87। टुडेज टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को ऐड करना करेंगे आज हम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है 90² + 7 - 60, 40 - 2t² + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरेंज करके राइट करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। 90², उसके बाद क्या आएगा, -60 + 7। ठीक है, राइट हैंड साइड पर भी जो हमारे पास नंबर्स है उसे भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पावर की वैल्यू आएगी -2t². अब 4 के साथ साइन नहीं है, पहले तो प्लस की साइन मौजूद होती है, आपको पता है। फिर 40 + 1, बाद में हम अरेंज करने के बाद में हम जो जिस तरीके से हम ऐड करते हैं उस तरीके से हम नंबर्स को पहले जो है कोमा तक हम राइट कर लेंगे। 90² - 60 + 7। ठीक है, उसके बाद जो कोमा की वैल्यू जो है, कोमा के बाद वाली जो वैल्यू जो है हमारे पास, उसे हम राइट कर देंगे। ठीक है, टी स्क्वायर के नीचे हमने -2t² रखा है। ठीक है, फिर 40 - 60 के नीचे +40, लास्ट में कॉन्स्टेंट हमारे पास, कॉन्स्टेंट के साथ हम कॉन्स्टेंट राइट कर देंगे। ठीक है, 9 के साथ कौन से साइन है, कोई नहीं, प्लस है। 2 के साथ माइनस है, दोनों अपोजिट साइन, तो माइनस प्लस के 7, क्योंकि 9 बड़ी है, 9 की वैल्यू बड़ी है तो साइन भी प्लस की आएगी। ठीक है, 6 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, दोनों अपोजिट साइन हो गए तो माइनस होगा, क्योंकि इस माइनस के 6 में से 4 को, प्लस के 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2t आएगा। ठीक है, अब दोनों सेम साइन है, +7 + 1 = +8। बड़ी वैल्यू किसकी है, 7 बड़ा है, तो इसलिए हम 7 की साइन राइट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मजीद पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो हमारे पास जो है 7 एक ही पहले ऑलरेडी अरेंज है हमारे पास। ठीक है, कोमा से पहले वाली और कोमा के बाद वाली अरेंज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 7a³, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने स्क्वायर की प्लेस छोड़ दी, क्योंकि कोमा के बाद स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने 5a राइट किया, फिर -11। ठीक है, अब क्यूब के नीचे हम क्यूब की वैल्यू राइट करेंगे, -3a³। अब प्लस 7a² अगर स्टूडेंट्स आप जो है वो a के नीचे से a² की वैल्यू रख देते तो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अब रखेंगे हम -3a, और लास्ट में हमारे पास कॉन्स्टेंट कोमा के बाद वाली वैल्यू में हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, अपोजिट साइन हमारे पास 7 प्लस का है, 3 जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, 4a³। ठीक है, प्लस 7a², क्योंकि 7 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, दोनों सेम साइन है, -5 - 3, तो -8 आंसर आ जाएगा, -8a। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा है, -11, तो 11 के नीचे कोई वैल्यू नहीं जिसे हम ऐड करते, तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मज़ीद जो है हम क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप राइट करेंगे, 3 - 3a² + 7x - 11। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है 5x² - 15x + 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोमा के बाद तीसरी वैल्यू आ गई हमारे पास x² - x - 1। स्टूडेंट्स आप देख लेंगे जो मैंने नंबर्स राइट किए हैं वो बिल्कुल अरेंज में राइट किए हैं, स्क्वायर की वैल्यू के नीचे स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखें, -3 का है हमारे पास। ठीक है, 5 और 1 जो है वो 6 है, 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, 3 रिमेनिंग बचेगा। ठीक है,
उसके बाद क्या है 15 और 1 16 हमारे पास है, ठीक है 16x हमारे पास है। 16x में हम क्या करेंगे, प्लस के 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन हो गए, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 16 में से 9x बचेगा, ठीक है। अब दोनों के आपके पास -1 और -11, ठीक है दोनों को ऐड कर ले -12, 12 में से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2 रिमेनिंग बचेगा, ये जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एडिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 7y² - y + 7 फ्रॉम 9y² + 3y + 7। स्टूडेंट जिस तरीके से हमने क्लास 6 में सब्ट्रैक्ट करना सीखा था कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाद वाली वैल्यू जो हम पहले राइट करेंगे -9y² + 3y + 7, उसके बाद जो है आप जो है स्क्वायर की वैल्यू के नीचे स्क्वायर की वैल्यू राइट कर देंगे 7y² - y + 7, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो जो नीचे वाली जो हमारी वैल्यू टर्म होती है उसके जो साइन होती है उसे हम चेंज कर देते हैं। 7 के साथ कोई साइन नहीं थी तो प्लस मौजूद होता है, ठीक है। माइनस की साइन आ गए तो हम प्लस में चेंज कर देंगे, और प्लस है तो माइनस, पहली वाली वे साइन जो होगी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो है अब इस साइन से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 के साथ आपके पास कौन सी साइन है, 7 के साथ माइनस और 9 के साथ प्लस, दोनों अपोजिट साइन हो गई है, ठीक है। अपोजिट साइन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2y² हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, 3y और प्लस 1y के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होती है वहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 और 1 4 4y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस 7, ठीक है, और माइनस 7, ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा पूरी वैल्यू, क्योंकि 7 में 7 जाएगा 0 बचेंगे, 0 हम वैसे ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2y² + 4y, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 5y³ + x² + 3x + 3 फ्रॉम x 5y³ - 7x + 9, ठीक है। अब पहले हमने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू राइट कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब के बाद हमारे पास स्क्वायर आते हैं, स्क्वायर की हम प्लेस छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, आप दूर करके लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। -7x + 9, ठीक है। अब क्यूब की वैल्यू के नीचे क्यूब की वैल्यू हम राइट कर देंगे 5y³। अब स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास +x². अब x की वैल्यू +3x + 3, ठीक है। जिस तरीके से हमने पहले किया है साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली वैल्यू की, हम प्लस की साइन है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और पहली वाली साइन हम उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम 5 में से 5, देखो प्लस का 5 है और नीचे वाले जो हमारे पास है वो माइनस के 5 में, ठीक है। 5 से 5 जाएंगे, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा, ठीक है। अब आपके पास जो है ऊपर वैल्यू नहीं है स्क्वायर के, ठीक है, तो आप माइनस के x² एज इट इज़ राइट कर देंगे, -7 और -3, ठीक है, इज़ इक्वल टू -10, ठीक है। साइन दोनों सेम है इसलिए ऐड होगा ये 10x, ठीक है, +10 और -3। जब 9 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा 6। साइन आपकी अपोजिट है, 9 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है। जैसे हम 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 की वैल्यू जो है 9 बड़ा है तो इसलिए प्लस की साइन हम लगाएंगे, ठीक है। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास +6 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो इट्स आर आंसर। स्टूडेंट दिस इज़ योर असाइनमेंट, सॉल्व ऑन लीफ पेपर एट सबमिट एट स्कूल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।